मैं आफताबे सहर हूं, अभी मैं उभरा हूं, लगेगा वक्त मुझे इंतहा तक आने में। जी हाँ, आज इसी शेर को चरितार्थ करने के लिए हमारे साथ हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के भागल गांव से गुरजिंदर पुनिया, जो आज के वर्तमान समय में कबड्डी जगत में एक बहुत बड़ा नाम है। और जब हम इस प्लेयर से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप किसी वाकई एक जमीन से जुड़े हुए खिलाड़ी से बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, द चर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त दिनेश गाल्यान। आज हमारे साथ हैं गुरजिंदर पुनिया उर्फ काला भागल, जो एक बहुत कम उम्र में एक अच्छा नाम उस पहलवान ने कमाया है। तो सबसे पहले मैं हमारे मेहमान काला भागल भाई का स्वागत करता हूं, और मैं भाई से भी गुजारिश करूंगा कि एक बार वो हमारे दर्शकों का भी अभिनंदन करे हाथ जोड़ के। और भाई सारे ने तो काला भाई, जब हम कबड्डी की बात करते हैं तो काले ने शुरुआत कहाँ से की कबड्डी की? मैंने शुरुआत बेट से खेलने की, बेट में 8-9 साल हो गए खेलते ना। मैं पहले बेट में खेला जी, शुरू से 44 किलो से लगा था। तो वो सर्कल कबड्डी थी भाई के, वो नेशनल कबड्डी थी? सर्कल कबड्डी, सर्कल कबड्डी से स्टार्ट किया था। हाँ, सर्कल कबड्डी। तो काले भाई परिवार में कौन कौन है? माँ पापा के अलावा, सुना है कुछ दिनों पहले आपकी शादी भी हो गई है, भाई को बहुत बहुत बधाई दी। तो कुछ ऐसा लगता है कि शादी के बाद कुछ फर्क पड़ जाएगा आपके गेम पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता ही नहीं जी, कोई फर्क नहीं है शादी के बाद। तो काले भाई पढ़ाई कहाँ तक हुई अपनी, जो आपको लगता है कि और पढ़ना चाहिए या और खेल की कोई अपना बना के रखोगे अपना कि मुझे खेल में आगे जाना है, या साथ के साथ पढ़ाई भी चलती रहेगी, कुछ ऐसा है? बीए फाइनल में इसी साल देखो। अच्छा, चलो हम दुआ करें कि भाई साथ के साथ ग्रेजुएशन भी करे और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो पहलवान कितने दिन हो गए खेलते हुए, अरसा कितना हो गया कबड्डी को खेलते हुए? 8-9 साल हो गए खेलते हुए। जी जी जी, तो कोई ऐसी टूर्नामेंट जो यादगार रही हो? कई टूर्नामेंट है जो यादगार है। तो शुरू में ओपन में लगा था, मैं उधर डोर खेल रहा जी, शीर्षल गेल में था, शीर्षल की तगड़ी टीम थी, जो मैं बेट में था आया था, बहुत अच्छा मैच लगा था, वो यादगार मैच है। ठीक ठीक। तो काला भाई, जैसे कैथल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे आपके आसपास के गांव के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे आपका बहुत अच्छा मित्र भी है बिल्ला भाई है या रविदोर है, सारे एक डिस्ट्रिक्ट के आप प्लेयर हो, तो कैसा लगता है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना अच्छा खेल रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलना बहुत। तो अंडरस्टैंडिंग कैसी है आप सभी की? अच्छी है, सभी के साथ अच्छे बोल चाल है, सभी के साथ मतलब मिलान सा है। तो कला भाई, कुछ जैसे कुछ दर्शक भी कह रहे थे कि पिछले सीजन में भाई का गेम देखने को नहीं मिला, तो क्या रीजन रही थी, शादी कुछ कारण था या कोई और कारण था? इंजरी हो गई थी थोड़ी, गोड्डा में लिगामेंट टूट गया था, उसका ऑपरेशन कराया था, उसके बाद थोड़ी सेटिंग सी नहीं आ रही थी। अच्छा, इस करके नहीं खेला पिछले साल की साल। तो अब परिस्थिति कैसी है, अब आपका घुटना ठीक है? हाँ, अब पूरा ठीक है, अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब खेल रहा हूँ। ठीक ठीक। तो प्रैक्टिस आप सभी, क्योंकि आसपास के गाँव के ही सारे अच्छी टीम में है, तो प्रैक्टिस आप किसी दूसरे गाँव में जाके करते हैं या आप नॉर्मल अपने घर पे या अपने जो आपका गाँव का जो ग्राउंड है उसमें करते हैं? पहले चीखा करते थे, अब गांव में स्टेडियम है, वहां पर दो कोच साहब आते हैं, एक सुंदर दत्त, एक सतनाम सर, सतनाम सर एथलेटिक कोच है, सतनाम सर ही हमारी प्रैक्टिस कराते हैं, सुंदर सर नेशनल कोच है, नेशनल कबड्डी के, वो नेशनल लीग करा देते हैं थोड़ी बहुत। ठीक। तो कड़ा भाई, गांव में कबड्डी का माहौल कैसा है, सर्कल कबड्डी का जो बात करूँ तो सर्कल, और भी आपके गाँव के जो अच्छे प्लेयर है जो खेलना चाहते हैं, तो कैसा माहौल है गाँव में कबड्डी को लेकर? बहुत अच्छा मोल है, नए बच्चे लग रहे हैं तैयार होने, खेलने लग रहे हैं, नए स्ट्रीट और भी ये अब की बार नए देखेंगे, नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो छोटे भाई ये बताओ कि जब आप इंजरी हुई तो खेल के दौरान ही हुई या कुछ और कोई छोटी मोटी चीज वैसे कोई एक्सीडेंट या कैसे क्या हो गया? खेल के दौरान ही हुई थी, मैं नेशनल कबड्डी में वो प्रैक्टिस कर रहा है, नेशनल कबड्डी। अच्छा अच्छा, तो प्रैक्टिस के दौरान हुई, मतलब किसी मैच के दौरान नहीं हुई? मैच के दौरान। ठीक 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 ठीक। तो वो काला अब क्या चाहता है कि कबड्डी में कितना सुधार वो खुद में कर सकता है और कबड्डी में क्या सुधार हो सकता है? कबड्डी में खुद में भी सुधार होना चाहिए, हमें टेम पर जाना चाहिए और आगे कमेटी को भी थोड़ा
कम टीमों की एंट्री ले और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी मैच निबेड़े। हाँ, क्योंकि जैसे मैं पहलवान था, बिल्ला पहलवान था, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि देर से मैच होते हैं तो घराने में दिक्कत है, घर वाले परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि खिलाड़ी भी ये चाहते हैं कि जो एक दिन की जो टूर्नामेंट है, ये कई एक दिन की टूर्नामेंट आप रखिए, पर आप केवल सिलेक्टेड टीमों की एंट्री लीजिए, ठीक टाइम पे गेम स्टार्ट हो जाए सुबह 10 या 11 बजे और शाम के 4-5 बजे तक यदि मैच खत्म हो जाए तो दर्शकों को भी बड़ी सुविधा रहती है और प्लेयरों को भी सही सुविधा रहती है। तो ये क्या सुझाव आप जो आयोजक हैं या फेडरेशन जो बनाने वाले हैं तो उनके पास आप पहुंचाते हो, कभी लगता है कुछ ऐसा? हाँ, कई बार हुई भी बात, फेडरेशन की टीम बना ले, 4-8 हरियाणा में जिस तरह पंजाब में होती है उस तरह फेडरेशन की टीम कह रहे हैं बनाने की हरियाणा में भी। तो काले भाई, पंजाब में आप कितना खेलते हैं? बस अब की साल पंजाब में ही खेलना, थोड़ा बहुत खेलना पहले। ठीक ठीक ठीक, तो हरियाणा में खेलना ज्यादा पसंद करते हो या पंजाब में? पहले हरियाणा में, अब पंजाब में। ठीक ठीक, तो पंजाब में ज्यादा रुझान किस कारण है? पंजाब में प्रमोटर ज्यादातर है, प्रमोटर है, खेल को वैल्यू भी है कबड्डी की, थोड़ी बाहर के बीजे लग जाते हैं, पैसा भी है थोड़ा, इज्जत भी करते हैं प्लेयर की, इज्जत तो हरियाणा में भी करते हैं पर प्रमोटर नहीं है हरियाणा में, प्रमोटर नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये मैसेज पूरे हरियाणा के दर्शकों को और प्रमोट जो आयोजक करता है उनको देना चाहते हैं कि यदि प्रमोटर हरियाणा में भी अच्छे हों तो हरियाणा में कबड्डी की स्थिति और सुधर सकती है। हाँ, प्रमोटर अच्छे हो तो खिलाड़ी अपने आप अच्छा खेलेगा, अच्छा उसको वो मिलेगा। तो काला भाई, आयोजक कर्ताओं का योगदान कितना रहता है एक इस नए रूल रेगुलेशन बनाने में? जैसे बहुत चीजें कई बार दिक्कत करती हैं, जैसे मैं बिल्ले भाई से बात कर रहा था एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि जो यदि फेडरेशन या कुछ कमेटी कुछ बना के कुछ रूल रेगुलेशन सेट कर लिया जाए पंजाब की तरह, तो टीमें टाइम पे आएंगी, टाइम पे जाएंगी और खिलाड़ियों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये तो है, पंजाब में फेडरेशन का नियम है 12 बजे फेडरेशन के मैच स्टार्ट हो जाते हैं, इस करके हरियाणा में भी ऐसा ही करें तो 12 बजे तकरीबन टीमें पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेगी तो स्क्रैच कर दें बस। तो अब काला, एक ठीक ठाक नाम हरियाणा में है आपको, एक फुर्तीला रेडर, चुस्त रेडर के तौर पे दर्शक आपको देखते हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी है पूरे कबड्डी खेल जगत में, तो काला और क्या सुधार करना चाहता है अपने गेम में? जो आप पता भी क्या है कि आप हर गेम से कुछ सीखते हैं, तो और क्या सीखना कि कसक है अभी? बस पहले स्पीड की गेम थी, अब की बार थोड़ा पावर की सोच रहा हूँ, 10-1 किलो वजन और बच जाए, 90 हो जाए, 80 तो है, 90 होने के बाद थोड़ी पावर आ जाएगी शरीर में। और तो बड़ा भाई कुछ ऐसा नहीं रहेगा, मान लो आपका वेट 90 है तो जो आपके शरीर के अंदर जो फुर्ती है उस पर कहीं इफेक्ट पड़ेगा? प्रैक्टिस के साथ बढ़ेगा तो वेट कोई इफेक्ट नहीं। अच्छा, मतलब फुर्ती वही रहेगी, क्योंकि कबड्डी में ताकत के साथ साथ फुर्ती भी चाहिए। हाँ, तो यदि आप वेट गेन करते हो, वेट बढ़ाते हो, तो फुर्ती पे ये प्रैक्टिस आप ठीक ठाक करते हो, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी फुर्ती भी कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक, तो एक भाई जैसे आप रेडर हो और आजकल जो हरियाणा में थोड़ा ट्रेंड भी चल गया है, हालांकि मैं क्या कोई खिलाड़ी भी और दर्शक भी और आयोजकर्ता भी उस चीज़ को ठीक नहीं समझते हैं कि जो मेडिसिन वाला जो प्रोसेस आ गया है उसके बारे में क्या कहना? मेडिसिन ज़्यादा थी, अब की बार कम होगी ज्यादा से ज्यादा, सभी कह रहे हैं मैं मेडिसिन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, कोई अब की बार बहुत फर्क रहेगा मेडिसिन में। अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते होंगे इसके, और जब खिलाड़ियों को साइड इफेक्टों का पता लगता है तो फिर वो उसको छोड़ने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, तो क्या आपको ये लगता है कि क्योंकि ये जो बीमारी जो शुरू हुई है, कह रहे हैं कि पंजाब से शुरू हुआ था, पर पंजाब तो उस चीज से निजात पा गया है, वहाँ के खिलाड़ी कम नशा करते हैं, कम ये मेडिसिन लेते हैं, पर हरियाणा में ज्यादा हो गया तो फर्क पड़ जाएगा? हाँ, अब की बार बहुत ज्यादा फर्क रहेगा, जो कि प्लेयर हैं वो अब की बार मेडिसिन बहुत कम करेंगे। तो काले भाई हमें बताइए कि काले का ऐसा कौन सा बेकार मैच रहा कि उसको लगा कि यार मेरी वजह से मैच हार गया, टूर्नामेंट हार गए, ऐसा कुछ है? बहुत टूर्नामेंट होते हैं जिससे अपनी वजह से लगता है कि कहीं कैच लग जाती है, हार जाते हैं, वही बस मेरी। तो जैसा हरियाणा और पंजाब में ट्रेंड चला हुआ है कि बेस्ट रेडर को, बेस्ट कैचर को मोटरसाइकिल या गाड़ी या घोड़ा देते हैं, तो काला ने आज तक कितनी बाइक या कोई घोड़ा या जो भी बेस्ट रेडर को मिलता है, तो काला ने कितनी बार उस चीज को हासिल किया है?
नौ बाइक जीती है। अच्छा अच्छा। एक समान है बुलेट, जी जी जी, मुलवेदा कंपनी किया था। एक स्कूटर है, जी जी जी, बाकी एलईडी उलीडी मेरी माता को। ठीक 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 ठीक। तो परिवार की तरफ से कितना सहयोग है? फुल सपोर्ट है, परिवार पूरी सहयोग करता है बस खेल। तो ऐसा कोई आइडियल खिलाड़ी या प्लेयर रहा हो जिसको देख के आपको लगता है कि मैं तो इसको देख के मैंने कबड्डी खेलना शुरू किया है? ऐसा तो नहीं, पर सुना जिस तरह खेलते नहीं देखे, पुराने थे जो प्लेयर उनके बारे में सुना, पीटी था उसने बाधव कैच की थी उसकी सुनते थे, कोई पुराने प्लेयर थे उनकी सुनते थे, पर वांडे में मैच होते वहां देखने बग जा रही बस ऐसे ही लग गए। तो काला भाई, आज के टाइम में जब आज आप खेल रहे हो, चलो हम तो भगवान की से दुआ करें कि आपका इंजरी जल्दी ठीक हो और दर्शक आपको एक बार खेलता हुए देखें और एक अलग काले को खेलता हुआ देखें, जैसा काला भागल के नाम से आप प्रसिद्ध हैं, तो एक अलग ही काला आपकी बार मैदान पे दिखे। तो हरियाणा में ऐसा कौन सा कैचर है जिसको देख के थोड़ा काला के दिमाग में आता है कि यार दिक्कत हो सकती है, कैचर लग जाएगी? कैचर तो कोई चक्कर नहीं, कैच तो हमें खेलेंगे तो लगेगी। वो तो बात सही है, वो तो जब खेलोगे तो दो जने खेलेंगे तो एक उसमें एक हारेगा भी एक जीतेगा भी, पर थोड़ा ये रहता है कि यार यो प्लेयर आ गया ना अब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वो सोनू सोंग, सोनू सोंग, तो आप सोनू सोंग के मानते हैं? एक आपके बहुत सकते अच्छे दोस्त भी हैं बिल्ला बलवेड़ा, अच्छे कैचर भी हैं, तो उनके साथ आपका मैंने सुना कि यार दोस्ती रिलेशन काफी अच्छा है, तो उस उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छे, उसके साथ बहुत अच्छा बोलचाल है, वो आते जाते भी रहते हैं आपस में, तो आपका गुआंड भी लगता है? हाँ ठीक ठीक। इकट्ठे बेट में भी शुरू से इकट्ठे ही खेल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो काले भाई, रेडर तो आप हैं ही, पर आपकी नजरों में हरियाणा में बेस्ट रेडर आपको जो लगे? शुरू में जब स्टार्टिंग सी थी ओपन की, जब सुधीर डालडा को देखा रहा यहाँ डोर खेलते हुए। अच्छा अच्छा। जब से उसी के। ठीक ठीक। तो अब भी सुधीर डालडा ही? ठीक ठीक। मतलब आप एक आदर्श के रूप में उसको देखते हैं, ये अच्छा खिलाड़ी है और आपको लगा कि मैं इसको देख के मैं खेलना? शुरू में शरीर बहुत अच्छा था उसका, शुरू में इस करके बहुत अच्छा लगता। तो काले भाई, एक छोटी सी बिल्कुल अटपटा सवाल आपको लगेगा, हालांकि आप पर किसी तरीके का ऐसा आरोप नहीं है, फिक्सिंग को लेके क्या कहना है काले का, कि जो फिक्सिंग होती है या नहीं होती है उसके बारे में क्या कहना है, ये गलत चीज़ है या सही है या कुछ इसमें सुधार होना चाहिए? फिक्सिंग है तो गलत, पर कम होती है हमारे हरियाणा में कम, और पंजाब में? अभी फिलहाल तो पंजाब में भी कम है, पर हो जाती है पंजाब में। अगर पंजाब में भी हो जाती है, क्योंकि कुछ दौर आया था कि हरियाणा में कुछ जगह फिक्सिंग होने लगी थी। नहीं ऐसा भी नहीं, फिक्सिंग कम ही है। कम है, तो चलो अच्छी बात है। तो आज के जो युवा दर्शक हैं, जो आपके जूनियर खिलाड़ी हैं, उनके लिए काले का क्या मैसेज है? मेडिसिन से ज्यादा बचे और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, अपने बड़े से किसी से सलाह लें अच्छी चीज की, डाइट की या किसी भी बात की, प्रैक्टिस की, अपने जो कोच का अच्छा उससे सही सलाह लेकर खेलें। तो एक और जो मैं कई खिलाड़ियों से पूछता हूँ, अपने यार दोस्तों से मैं कई बार बात करता हूँ, दर्शकों से बात होती है, मैं खुद भी एक दर्शक हूँ, तो सरकार क्या कर सकती है सर्कल कबड्डी के लिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गेमों के प्लेयरों को स्पोर्ट्स कोटे के दौरान भर्ती कर लिया जाता है, क्या सर्कल कबड्डी के लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं? वह यही चाहते हैं, जैसे पिछले एक साल लगे थे 2016 में लगे थे, पता नहीं 15 में से 14 में लगे शायद, वो हुड्डा साहब जहाँ पे तो मुझे ध्यान है, हुड्डा सरकार की सरकार, हुड्डा साहब की सरकार थी और पंचायत सेक्टर लगे थे बहुत सारे बच्चे, हाँ, और चोटाला साहब की सरकार में भी कुछ लगे थे, तो जहां तक मुझे मोटा मोटी ध्यान है, मैं कहूंगा कि बीजेपी गलत सरकार है, अच्छा काम कर रही है, पर सर्कल कबड्डी के लिए भी सरकारों को सोचना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि सर्कल कबड्डी के लिए भी अलग से ट्रायल करवा के उन खिलाड़ियों का भी एक जॉब दे दी जाए, क्योंकि एक जॉब मिलने से एक जिंदगी भर की सेटिस्फेक्शन हो जाती है, कि क्योंकि शरीर आपका कब तक साथ देगा, आप युवा हो 10 साल के लोगे 12 साल के लोगे, उसके बाद तो फिर आपको कुछ ना कुछ काम करना ही है, तो आपको लगता है कि सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए? सरकार को साल में या 2-3 साल में एक बार ट्रायल लेनी चाहिए, जो अच्छे प्लेयर हैं उनको सिलेक्ट कर लेना चाहिए, बिल्कुल जॉब देनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, इससे और भी रुझान मिलेगा और प्लेयर। तो क्या आपको ऐसी फेडरेशन या खिलाड़ियों का एक आप ग्रुप बना के सरकार से मिलने की कई बार कोशिश किया जाए, जैसे आपके सीनियर खिलाड़ी भी जैसे विनय है, विनय भाई है, बिल्ला भाई है, जो आपके हम उम्र भी हैं,
रिंकू है और भी जो सीनियर खिलाड़ी हैं, क्या आप कभी ऐसा प्लान बनाया कि हम सरकार को जाके ये कहें कि आप हमारे बारे में कुछ सोचिए? कई बार वो जब स्पोर्ट्स उसमें से निकाल दिया था, इसको सरकारी खेलों में से निकाल दिया था, कबड्डी को जब बटले भी हुए थे हरियाणा में, सभी प्लेयर हुए थे, सभी ने कहा भी, पर वो बात मन नहीं है। ठीक 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 ठीक, तो हम सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करें कि सर्कल कबड्डी को भी, जो हरियाणा और पंजाब में माँ खेल कबड्डी के नाम से जानी जाती है और बिल्कुल मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, तो सरकार को भी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं, ये खिलाड़ियों की मांग है और खिलाड़ियों के लिए सरकार को कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। तो काला भाई, फिलहाल एजुकेशन का क्या प्रोसेस चल रहा है? आप फाइनल ईयर में हो, तो फाइनल ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं मास्टर डिग्री करने का कुछ प्लान है? अभी कोई प्लान नहीं, बस फाइनल ईयर करके, फाइनल ईयर करके आपको खेल की तरफ पूरा फोकस करोगे। तो अब की बार जब आप एक सीजन नहीं खेल ले, तो एक तरीके से आप 1.5-2 साल बाद दर्शकों के पास जाओगे, दर्शकों के बीच में जाओगे, तो 1 साल पहले तक काला एक अनमैरिड युवक था, ठीक है विवाहित था, अब विवाहित है, तो कुछ बदलाव दिखेगा मैदान पर, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है अब की बार, बल्कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस किया है, कोच साहब ने बहुत जोर लगा रखा है, लाल सतनाम सर ने, ये दोनों बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं, अब की बार ग्राउंड में भी अच्छे ही खेलेंगे, कोशिश रहेगी। तो काला भाई, सभी दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए कोई प्यारा सा मैसेज, कुछ भी आपको जो लगे कि प्लेयरों को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें उन्हें, जितना उसके कोई लोअर हो, गरीब हो, उसे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए जिससे वो उभर सके। तो आज हमने बात की एक स्टार रेडर हरियाणा के काला भागल से, और भाई ने बहुत अच्छी बातचीत हमारे साथ की और बहुत निजी बातें भी इनके साथ हमने शेयर की, और बहुत अच्छा, थोड़ा शर्मीला लगता है प्लेयर पर, ये तो गहना है एक स्पोर्ट्समैन का, पर हम दुआ करेंगे, हम भगवान से भी ये दुआ करेंगे कि भाई अब की बार जब मैदान पे है, तो जैसा इच्छा इसकी है हरियाणा के दर्शकों में, वैसी इच्छा ये दोबारा फिर बनाए और अच्छा करे, पंजाब में खेल ले, पंजाब के साथ साथ भाई विदेशों में भी जाए, अच्छा खेल दिखाए, और जिससे केवल अपने माता पिता का ही नहीं, अपने हरियाणा का, अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। तो भाई काला भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो ये चैनल है द स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा, स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा, तो एक बार इन, क्योंकि ये जो टीम है, इसने मुझे कहा कि दिनेश भाई एक इंटरव्यू करना है हमें कुछ भाइयों का, तो जैसे मेरा थोड़ा रुझान है कबड्डी की तरफ, तो मैं कहा चलो कोई ना, मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन दोनों चैनलों के लिए, द चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव को, एक बार अपनी तरफ से अपने जो आपके दर्शक हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनको थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए थोड़ा ज्यादा एक बार बोल के आप कह दो तो ज्यादा बेटर है। भाई सारे भाई है ना, सारे भाई लाइक करो, शेयर करो, स्पोर्ट्स दा था, हाँ, स्पोर्ट्स लाइव, स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा, सारे भाई इसने चैनल ने हुआ करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।